আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, আপ তমাম বচ্চোঁ কা অর বড়োঁ কা ভি ইস্তিকবাল হ্যায় হামারে প্রোগ্রাম কালারস অফ ইসলাম মে। অর আজ হাম ইনশাআল্লাহ আপনা আগলা সেকশন শুরু করতে হ্যায়। আজ হামারে ইবাদাহ কে সেকশন মে হাম তাহারা কে বারে মে দেখনে ওয়ালে হ্যায়। লেকিন সিখনে সে পহলে হ্যায় হামারে লিয়ে এক বহুত হি মুশকিল গেম, এক বহুত হি মুশকিল গেম। ইয়ে গেম সিফ মুশকিল নাহি নাহি, সাথ সাথ মে খতরনাক ভি হ্যায়। জেসা কি আপ দেখ সকতে হ্যায় ইয়াহাঁ পে হামারে সামনে হ্যায় দো ট্রে ভর কর মিট্টি ওয়ালা পানি। পহলে আপ ইয়ে বাতাও কি মিট্টি ওয়ালে পানি আগর আপকে কপড়ো পে আ যায় তো আপকো কেসা লাগেগা? গন্দা। আপকো গন্দা, ঠিক হ্যায়। তো গেম ইস তরহ সে হ্যায়, ये है बॉल। ये बॉल जो आपके इस छोटे से पोर्शन में आप अगर बाउंस करके पकड़ लेंगे 10 times, जो ये कर लेगा उसको मिलने वाला है ये स्टार, और जो नहीं कर पाएगा उसको मिलेगा ये कीचड़ उसके कपड़ों पे। अब मैं तो खड़ा हो जाऊंगा। कितनी बार करना है बाउंस? 10 times। तो आप में से कौन तैयार है? हम स्टार्ट करेंगे युसरा से। युसरा आपको क्या करना है? ये बाउंस करना है। खड़े हो जाइए। लेकिन बाउंस कहां करना है? इसमें नहीं करना है, इधर करना है और पकड़ना है, और नहीं कर पाया तो कहां जाएगा आप देख सकते हो। हाँ, चलो स्टार्ट। वेरी गुड, 1 और पहुंच गया, नो प्रॉब्लम। 2 दूसरा बल रह दो दरी। 2 में से एक वहां पहुंच चुका है। 3, 4 स्लिप हो गया। 5 वेरी गुड, 6 वेरी गुड, 7 वेरी गुड, 8 स्लिप था, 9 स्लिप है, 9 में से 3 स्लिप है और 1 यहां है, 10th में से 6 स्लिप हो गए। तो युसरा ने 10 फिनिश किए और 10 में से आपके 5 स्लिप हुए और 1 वहां पहुंचा। हाँ, यानी कि टोटल 6 स्लिप है। नो प्रॉब्लम, आपने ट्राई किया, इस वजह से ट्राई करने के लिए आपको मिलेगा एक छोटा स्टार, और अगर कर लेते 10 के 10 तो आपको ये मिलता है एक बड़ा स्टार। नो प्रॉब्लम, ट्राई करने के लिए एक छोटा स्टार। अब कौन नेक्स्ट जाना चाहेगा? मैं। आप करेंगे अब्दुल्ला? ठीक है, अब्दुल्ला इज नेक्स्ट। ये मैं क्लीन करके आपको दे देता हूं। चलिए, अब्दुल्ला इज नेक्स्ट, ये लीजिए। अब्दुल्ला के बाद में क्या करना है अब्दुल्ला, बताइए आप कहाँ बाउंस करना है? ठीक है, खड़े हो जाइए आप। हाँ, कहाँ पे बाउंस करना है? पानी में, कीचड़ में बाउंस करना है? नहीं, आपको कहाँ बाउंस करना है? यहाँ बाउंस करना है। और कितनी बार करना है? 10 times। हाँ, और 10 times विदाउट स्लिप आपने कर लिए तो क्या मिलने वाला है? एक बड़ा स्टार, और नहीं हुआ तो छोटा स्टार जरूर मिलेगा। ओके, स्टार्ट। अगर दोनों ने 10 times तो दोनों के दोनों को बड़े बड़े स्टार्स मिलेंगे। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, mashallah. Abdullah is the first person to finish this. और उसने चैलेंज को अचीव किया है और इसी वजह से अब्दुल्ला को मिल रहा है ये बड़ा स्टार, बिग स्टार। कौन नेक्स्ट है? हमजा। अब्दुल्ला, आप जरा साइड पे आ जाइए। जजाकला खैर। मैं साइड पे हट जाता हूं। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Ninth वाला आपका स्लिप हो गया, लेकिन आपका कीचड़ में नहीं लैंड हुआ तो इस वजह से आपको मिलता है एक छोटा स्टार, लेकिन युसरा से बड़ा स्टार। लेकिन अब्दुल्ला तो बाउंस कर रहे थे, वो बॉल से अच्छा हुआ था। ओके, नो प्रॉब्लम, बैठ जाइए, आपको एक चांस मिलेगा। अब्दुल्ला आ जाइए यहाँ पर। और लास्ट है हुदा। हुदा, आप करेंगे? करेंगे? हुदा बहुत समझ। हाँ, यस, करेंगे? तो हाँ, ये बोले आपके लिए इजी है, आपका ये यहाँ रहेगा। मैंने भी तो पिंक लिया था, मेरा क्यों नहीं बाउंस हो रहा था? ये यहाँ रहेगा, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपकी टर्न हो चुकी है। हाँ, आपको यहाँ बाउंस करना है। हाँ, यहाँ पे बाउंस करना है, नहीं करना है। ओके, स्टैंड अप और पकड़ना है बोथ द हैंड से। चेयर को नीचे रख दीजिए। यस, स्टार्ट। आपकी टर्न हो गई है।
2, very good. 3, very good. 4, very good. 5, 5 slip ho gaya. No problem. No problem. Aap dijiye dusra ball. Ye lo. 6 bhi slip hai. No problem. 2 slip, 6. 6 mein se 2 slip. No problem. Try more. 7, 8 bhi slip hai. 9 bhi slip hai. आप लोगों को कुछ किए बगैर ही जाना है इसके अंदर लगता है. हाँ आ जाओ इधर जल्दी. 10 वेरी गुड माशाल्लाह. 10 में से कितने स्लिप? 4. हाँ 3 4. चलिए आप लोगों ने माशाल्लाह ट्राई किया, इस वजह से आपको मिलने वाली है दो चीजें. खुदा को मिल रहा है एक छोटा स्टार, जैसे यूसा को भी एक स्मॉल स्टार मिला है, अब्दुल्ला को मिल चुका है बड़ा स्टार, और हमजा को मिल रहा है एक बड़ा लेकिन अब्दुल्ला से छोटा स्टार. हमजा को मिल रहा है एक अब्दुल्ला से छोटा स्टार, लेकिन यूसरा हुदा से बिगर स्टार. और क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया तो आपको मिल रहे हैं एक रबर बॉल आपको, एक आपको, एक प्लास्टिक बॉल आपको, और एक और प्लास्टिक बॉल आपके लिए. वेरी गुड माशाल्लाह. अब सीखने वाली बातें, सीखने वाली बातें में ध्यान दीजिए क्योंकि मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ. सबसे बड़ा रिश्ता दिया है. यस सबसे बड़ा अब्दुल्ला का है. इसके अंदर ये स्पेस. यस उसके अंदर है, पता है जी. सीखने वाली बात क्या है बच्चों? देखो आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ना तो बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ. दो चीजें हैं, एक चीज है तहारा और एक चीज है नजासा. तहारा क्या है? जैसे हम वजू करते हैं, नमाज की अहमियत देख चुके हैं, लेकिन नमाज कबूल नहीं होती जब तक वजू ना हो. हाँ तहारा ना हो, तहारा का हिस्सा है वजू. नमाज तब तक कबूल नहीं होती जब तक तहारा ना हो, तहारा का हिस्सा है वजू. अगर आपको नमाज पढ़ना है बहुत अच्छे से जज्बा है लेकिन वजू नहीं करना है तो नमाज कबूल होगी? नहीं. नमाज कबूल नहीं होगी अगर तहारा ना हो. हाँ और एक चीज है नजासा. नजासा यानी कुछ डर्टी चीजें हैं, जैसे यूरिन जिसे आप लोग पिशी कहते हैं, या टॉयलेट जो होता है ना पखाना, या टॉयलेट जिसे कहते हैं. हाँ मालूम है आपको? हाँ जी जी. हाँ तो टॉयलेट जाते तो वजू टूट जाता है ना, वो एक बात है. लेकिन मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, एक चीज है नजासा. नजासा यानी गंदी चीज, जैसे पेशाब है, टॉयलेट है, या जैसे डॉग होता है ना, डॉग का जो स्पिट होता है. हाँ डॉग का स्पिट होता है ना वो, तो वो भी नजासा है, डर्टी है. तो नजासा में रूल क्या है? जब नमाज पढ़ते हैं, सवाल पूछने वाला हूँ मैं, जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारे कपड़ों पे, हमारी बॉडी पर, ना नमाज की जगह पर, तीन जगह पर नजासा नहीं होना चाहिए. कौन बताएगा कौन सी तीन जगह? उसे स्टार मिलेगा. नमाज के जगह पे. हाँ अपने बॉडी पे और क्लोथ्स पे. वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड. तीनों जगह पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नजासा नहीं होना चाहिए. और नजासा मैंने एग्जांपल क्या दिया, जैसे यूरिन करते हैं ना, पिशी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नजासा, डर्टी. हाँ और टॉयलेट है, वो टॉयलेट क्या है? डर्टी. तो पॉइंट क्या है कि नजासा कहाँ नहीं होना चाहिए, आप लोग भी बताओ. नजासा किधर भी नहीं होना, किधर भी नहीं, ऐसा नहीं बोलो कहाँ पे. नमाज के जगह, बॉडी पे और क्लोथ्स पे. अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं ना, नमाज के जगह पर गंदा नहीं होना चाहिए. यस यस वेरी गुड. अब यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? कुछ लोग टॉयलेट जाते हैं, पिशी करते हैं, रोड पे करते हैं, कहीं भी करते हैं, टॉयलेट में भी जाते हैं, लेकिन वाटर नहीं यूज करते हैं, तो उनकी बॉडी पे कुछ होता है कि नहीं होता है? डर्टी. हाँ डर्टी होता है, उसी वजह से कितनी इन्फेक्शन, बीमारी भी होती है. हाँ तो इस्लाम ने मना किया. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये हदीस सही बुखारी में है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे, दो ग्रेव्स, दो कब्रों के पास से. कब्र होती है ना ग्रेव, हाँ जहाँ पे कब्र के अंदर कौन होता है? कोई बरीड है ना, किसी का इंतकाल हो गया तो उसको कब्र में बरी करते हैं ना. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे. मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी कब्रैन, बीच में से नहीं, उनके पास से गुजरे. फकाल इन्हुमा लयुअज्जिबानी, कहा उन्होंने कि ये दोनों को अजाब दिया जा रहा है. अजाब, इस अजाब को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? इस अजाब
ये जो अजाब, अजाब मीनिंग क्या, अजाब का मतलब क्या, पनिशमेंट, पनिशमेंट, इन दोनों को पनिशमेंट दी जा रही है ग्रेव के अंदर। मालूम है ग्रेव के अंदर भी पनिशमेंट होती है, अजाब कब्र बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अजाब कब्र। वो लोग क्यों, सुनो तो सही, क्यों, हाँ क्यों, उनको सजा दी जा रही थी ग्रेव के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ये दोनों को ग्रेव के अंदर सजा दी जा रही है। हाँ इन्नहुमा लयुअज़िबानी वमा युअज़िबानी फी कबीर, लेकिन जिस चीज के लिए अजाब दिया जा रहा था वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बड़ी चीज नहीं थी, यानी बचना इजी था, बचना इजी था, लेकिन ये दोनों उससे बचे नहीं, बचे नहीं, बचे। अम्मा अहदुहुमा कान ला यस्ततीरु मिनल बौल, उनमें से एक जब पिशी करता था, यूरिन करता था, पेशाब करता था, तो उसके जो छींटे उड़ते हैं ना उससे अपने आप को बचाता नहीं था, वो उसके क्लोथ्स पे आते थे, उसकी बॉडी पे आते थे, रहने देता था वो। तो क्या हुआ अभी उसको, क्या मिल रहा है, पनिशमेंट, क्यों, क्योंकि नजासा डर्टी चीज क्या थी, उसकी बॉडी पे थी। वामल आखर, दूसरा कहना यमशी बिन नमीमा, चुगली करता था, चुगली, चुगली मालूम है, हाँ, चुगली, किसको बोलते हैं, जो एक जगह पे रहते हैं और दूसरी, दूसरा लड़का उसकी कंप्लेन करता, कंप्लेन, हाँ मम्मी ये देखो ये भाई, मम्मी देखो ये ऐसा, और देखो टीचर देखो ये ऐसा कर रहा है, और चुगली करके ना झगड़ा लगाना, बोले वो है ना झगड़ा लगाना, वो चुगली खास तौर से वो टाइप की चुगली। तो ये दोनों क्या हो रहा है अभी उसको, मींस ऐसा नहीं होता, पर जो भी मतलब, हाँ उसके अंदर वो भी होते हैं, कंप्लेंट बोलते उसको, पर देखो कोई होता है हेल्प करने के लिए करे वो अलग बात है, उसको उसको चुगली बोलते, हाँ हेल्प करने के लिए करे अलग बात है, लेकिन होता है झगड़ा लगाने के लिए कर रहे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में, अगर कोई बोले अब्दुल्ला तुम्हारे बारे में वो ये बोल रहा था, अब अब्दुल्ला को बुरा लगा, अब अब्दुल्ला जाके झगड़ा कर सकता है, ये झगड़ा लगाने वाली कंप्लेन, हाँ समझ रहे हैं आप, वो हम लोग बाद में और डिटेल में देखेंगे। अच्छा पता है आपको ये मिट्टी का पानी जो है ना ये नजासा है क्या, हाँ, नहीं, ये नहीं है, नहीं, नहीं, ये नजासा नहीं है, क्योंकि मिट्टी से तो हम लोग तयमम करते, तयमम मालूम है, जब पानी नहीं होता है, तो ठंडी लगती है, जब पानी ठंडी लगती है, नॉर्मल ठंडी के लिए नहीं है वो, लेकिन कोई बीमार है बहुत, या उसको, हाँ हाँ वो मैं बाद में बताने वाला हूँ डिटेल में। तो ये जो है ना एक्चुअली नजासा नहीं है, लेकिन आप लोग संभाल रहे थे कि नहीं संभाल रहे थे, आपको जब मैंने पूछा कि आपके कपड़े पे आ जाए पूरा तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, गंदा लगेगा है ना, तो जब इससे संभाल रहे थे तो वो नजासत से कितना संभालना चाहिए, बहुत संभालना, हाँ क्योंकि क्यों नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए हम लोगों को, और नजासत अगर बॉडी पे है, कपड़ों पे है, तो क्या मिलेगा मरने के बाद, कब्र में जाएंगे तो क्या मिलेगा, अजाब कब्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अजाब, हाँ अजाब कब्र, चाहिए नहीं चाहिए ना, तो बचाएंगे अपने आप को। कितने बच्चे हैं ना संभालते ही नहीं है, उनकी अम्मी बोलते हैं संभालो संभालो, लेकिन संभालते ही नहीं है। अच्छी हैबिट है कि हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आज जो हैबिट बनेगी ना बड़े होकर भी सेम हैबिट कंटिन्यू करते हैं लोग। तो आप लोग ये तहारा में क्लीनलीनेस में संभालेंगे इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह, टेक केयर, क्यों स्टार चाहिए, स्टार से बड़ी चीज चाहिए इंशाल्लाह, वहां पे आखिरत में जन्नत चाहिए, अजाब कब्र से बचना है इंशाल्लाह, हाँ। तो ये बहुत अहम बात, आज हम अभी देखने वाले हैं हमारे आदाब सेक्शन में टॉयलेट मैनर्स, टॉयलेट मैनर्स। होता क्या है, हमारे दीन ने हमें बताया है क्या अच्छा है क्या बुरा है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। टॉयलेट मैनर्स सीखने के लिए हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं भेजा गया है कि वहां से जाके सीख के आओ, हमें सब चीज यहीं सिखाई गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉयलेट मैनर्स। अब टॉयलेट तो सबको जाना पड़ता है, क्योंकि ये तो नीड ऑफ नेचर है, कॉल ऑफ नेचर भी बोलते हैं। आप में से कोई टॉयलेट जा रहा है, आप पहुंचते हैं टॉयलेट के दरवाजे पर, क्या करेंगे, ये दुआ के अंदर ज्यादा बेटर है कि आप इस तरह से पढ़ो, बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। तो जो बिस्मिल्लाह कहते हैं वो क्यों कहते हैं आपको मालूम है, उसके पीछे एक रीजन है, हाँ वो मैं आपको बताऊंगा। जी जी बिल्कुल सही, क्या आपको पता है, जब हम कपड़े उतारते हैं और जब बिस्मिल्लाह कहते हैं, बिस्मिल्लाह कहते तो जिन नहीं, जिन हमें देख नहीं सकते, हाँ वो देख नहीं सकते हमें, उसकी क्या कैफियत है अल्लाह जानते, क्योंकि वो गैब की बात है। डू यू नो बच्चों, अल्लाह ताला ने एंट्स, आपने एंट्स को देखा है, एंट्स को बनाया, कॉकरोच देखा है, कॉकरोच को बनाया, लायन देखा है, लायन को बनाया, अल्लाह ताला ने अलग अलग मखलूक बनाए, अल्लाह ताला ने जिनों को भी बनाया,
लेकिन जिनों की दुनिया हमसे छुपी हुई है, हम उनको नहीं देख सकते लेकिन वो लोग हमें देख सकते हैं। जरा ये बताओ कि दोनों में, इंसान और जिन में ज्यादा हाई कौन है, ज्यादा ऊंचा कौन है? जिन। नहीं, ज्यादा ऊंचे हम इंसान है। पता है आपको जिनों के जो सरदार है उनका नाम क्या है? इब्लीस। और इंसानों के जो पहले इंसान थे उनका नाम क्या है? आदम अलैहि सलाम। अच्छा अभी बताओ, आदम अलैहि सलाम को हुक्म दिया गया था कि इब्लीस के सामने सजदा करो, या इब्लीस को हुक्म दिया गया था कि आदम अलैहि सलाम के सामने? इब्लीस को हुक्म दिया गया था कि आदम अलैहि सलाम के सामने सजदा करे, मना किया। हाँ, पता क्या चला कि इंसान क्रिएशन के हिसाब से, तख्लीक के एतबार से, बनाने के एतबार से एक ऊंची क्रिएशन है। وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ। اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ اب یہ انسان جا رہا ہے ٹوائلٹ، تو ٹوائلٹ جہاں جا رہے ہیں تو پتا ہے آپ کو وہ جگہ پر گندے جن ہوتے ہیں۔ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں میں، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں میں، من الخبث والخبائث۔ خبث والخبائث کی الگ الگ میننگ بتائی گئی ہے، اس میں سے ایک میننگ ہے میل اور فیمیل، اس کے اس میں سے ایک میننگ ہے میل اور فیمیل جن۔ جو گندے جن ہوتے ہیں نا وہ لوگ وہاں ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ اگر کہیں پہ جاؤ، کوئی گھر پہ جاؤ جہاں ایک بہت اچھا صوفہ ہے، آرام سے بیٹھ سکتے وہاں، اور ایک گندی سی جگہ ہے، تو کہاں بیٹھیں گے؟ صوفے پہ بیٹھیں گے۔ لیکن یہ خبث والخبائث جا کے کہاں بیٹھیں گے؟ وہ لوگ گندی جگہ پہ جائیں گے۔ تو وہ ٹوائلٹ جو ہے نا، وہاں پہ وہ خبث والخبائث ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے شر سے، ان کی تکلیف سے، ان کے پرابلم سے ہم لوگ سیف رہیں، سیف۔ تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ خبث والخبائث وہاں پہ ہوتے ہیں، ٹوائلٹ، وہاں پہ گندے جن ہوتے ہیں، ہاں، جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام کسے دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے۔ اور جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بائک چلانے سے پہلے ہیلمٹ پہنتے ہیں، دیکھے ہو آپ نے؟ ہاں، اب یہاں ٹوائلٹ جانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، وہ آپ کا پروٹیکشن ہے۔ ہیلمٹ کیوں پہنتے ہیں؟ پروٹیکشن ہے کہ گر گئے تو سر پہ لگے گا نہیں، وہ ہیلمٹ ہوگی تو سیف رہے گا سر۔ ہاں، لیکن ٹوائلٹ جاتے ہیں تو ٹوائلٹ جانے سے پہلے کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ آپ نے کار میں دیکھا ہے سیٹ بیلٹ ہوتی ہے، سیٹ بیلٹ، سیٹ بیلٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہاں، پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے۔ سیٹ بیلٹ کیوں ہوتی ہے؟ سیفٹی کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں ہماری سیفٹی کے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ کیوں ہے؟ پولیس پکڑتے ہیں کہ ہم لوگ پروٹیکٹ کریں، مطلب کہ ہیلمٹ پہنے، پولیس چاہتی ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں، دعا سے پروٹیکٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے ذریعے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اوکے بچوں، یاد رکھو کیا دعا ہے؟ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ ترمذی کی حدیث صحیح سند سے ملتی ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ سے ہم جب کپڑے اتاریں گے تو وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث سے وہ لوگوں کے شر سے ہم محفوظ رہیں گے۔ فرسٹ سٹیپ کلیئر، اوکے، انٹر ہو گئے۔ اب انٹر ہونا ہے تو کون سے لیگ سے انٹر ہوں گے بتاؤ؟ لیفٹ لیگ سے انٹر ہوں گے۔ اور باہر نکلیں گے تب کون سا لیگ یوز کریں گے؟ اور باہر نکلیں گے تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ حدیث میں آتا ہے غفرانک، یہ صحیح سند سے ہے، غفرانک، غفرانک مطلب اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہاں، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، کیونکہ وہ ٹائم پر جو ہے نا ٹوائلٹ کے اندر ہم لوگ ذکر نہیں کر سکتے ہیں، ہم لوگ اذکار نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹوائلٹ کے اندر ہم لوگ دعا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہیں نا، تو ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، غفرانک۔ اوکے، غفرانک کون بولے گا؟ غفرانک مطلب اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹوائلٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو کچھ باتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ نمبر ون، کہ اگر آپ ٹوائلٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر قبلہ رخ ہو کر کے ٹوائلٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ قبلے کا اپوزٹ ڈائریکشن کرنا چاہیے بلکہ دوسرے ڈائریکشن میں کرنا چاہیے۔ حدیث ہے، اگر مان لو مثال کے طور پہ یہ قبلہ ہے، یہ قبلہ اور یہ ہے اس کا بیک سائیڈ، تو قبلہ کون سا قبلہ ہے نا؟ کیا نماز پڑھتے ہیں وہ ڈائریکشن میں ٹوائلٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بیک سائڈ پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اوکے، نیکسٹ، ٹوائلٹ کے اندر ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جو باتھ روم جہاں پہ ہم غسل لیتے ہیں، جہاں پہ ہم نہاتے ہیں،
वहां पे टॉयलेट करने मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ बहुत लोग करते हैं लेकिन वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। हाँ अगर किसी की मजबूरी है, प्रॉब्लम है, कोई और जगह नहीं है, फिर वो एक अलग बात है, वो देख सकता है, लेकिन वहां मना किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उससे जितना हो सके आदमी को बचना चाहिए। और हम क्या देखते हैं कि टॉयलेट के अंदर एक और चीज का ख्याल रखना होता है कि अगर मान लो पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट कैसा होता है मालूम है, जहां बहुत सारे टॉयलेट्स होते हैं, तो उसके अंदर ख्याल रखना होता है कि कोई और आपके प्राइवेट पार्ट्स को नहीं देखे। हाँ आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स किसको बोलते हैं, जो विशी प्लेस है वो सब है ना, उसको कोई और नहीं देखे, उसका ख्याल रखना चाहिए। हाँ बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको नहीं आता है तो उनकी मम्मी संभालते हैं, लेकिन जैसे बड़े होंगे तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बच्चे बड़े होते हैं फिर भी नहीं ख्याल रखे तो बहुत गलत बात हो जाएगी। हाँ और टॉयलेट में एक चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि पिशी उड़कर हमारे कपड़ों पर, हमारे बॉडी पर नहीं आए। अच्छा अगर आ गई, अगर आ गई तो क्या करेंगे, अगर इतने पोर्शन पे आई तो फुल कपड़े बदलेंगे, नहीं वॉश कर देने का थोड़ा, इतना वॉश कर लो, इतने पोर्शन पे आई तो इतना वॉश कर लो। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं इतने पोर्शन पे अगर टॉयलेट लग गई, वो लोग बोलते हैं मुझे गुसल लेना पड़ेगा। बात कहां से, इतने पोर्शन पे लगा तो इतना वॉश करो, इतने पे लगा तो इतना वॉश करो, जितना लगा उतना वॉश करो, अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या मसला है कि लगने नहीं दे दो, इसलिए ख्याल रखो इंशाल्लाह। हाँ अच्छा टॉयलेट को फिर करने के बाद गंदा छोड़ना चाहिए या साफ, क्लीन रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि दूसरे लोग को भी तकलीफ पहुंचेगी ना। अच्छा आप अगर आप टॉयलेट में जाओ और बहुत गंदा टॉयलेट है तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बुरा लगेगा आपको, आप गए आप अभी तक ये नहीं हो, आप पहुंचे और जाके देखे बहुत गंदा है तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, बुरा। तो आपके जाने के बाद जो जाएगा उसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा, अगर आप गंदा छोड़ोगे तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा। अगर कोई बाथरूम में जाएगा तो फिर बहुत गंदा रहेगा तो उसको क्लीन करके निकलेगा तो फिर उसको सवाब मिलेगा। हाँ तो यहाँ क्या है, इस बात का ख्याल रखो जो खुद के लिए पसंद करते हो, जो तुम्हें खुद के लिए अच्छा लगता है ना कि साफ टॉयलेट मिले, तो अपने भाई के लिए भी पसंद करो, बाद में जो जाएगा उसके लिए भी वही होगा कि साफ टॉयलेट है, तो टॉयलेट गंदा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ बाहर निकल आया तो उसको वॉश कर लेना चाहिए, खुद ही वॉश कर लो। हाँ गंदा मत छोड़ा करो, फ्लश करना है तो फ्लश करो, नहीं तो पानी भर के डालो, लेकिन क्लीन छोड़ो, गंदा नहीं होना चाहिए। ओके और एक चीज कि टॉयलेट में बैठ के पिशी करना चाहिए कि खड़े होकर, बैठ के करना चाहिए। हाँ खड़े होकर करना नहीं चाहिए। हाँ अगर आप कहीं पर कोई बहुत गंदी जगह पे गए हो जहां पे बहुत गंदगी है, वहां बैठेंगे तो उल्टा गंदगी अपने ऊपर आ सकती है, तो उस सिचुएशन में स्कॉलर ने बताया वहां पर खड़े होकर कर सकते हैं। अगर बहुत गंदी जगह पे हो आप, मतलब जैसे कोई कूड़े का डंप है बहुत बड़ा, वहां पे ही जाके करना है। अच्छा ये बात पता चला कि बाहर कुछ लोग है ना रस्ते पे टॉयलेट करते हैं, ये सही गलत है, गलत। क्यों रॉन्ग है, क्यों क्यों रॉन्ग है, क्योंकि फिर सब रोड गंदा हो जाएगा। हाँ और सब जो जब जो पीपल जो रास्ते में चलते हैं उन लोग को तकलीफ होगी, और स्मेल आएगी, स्मेल आएगी, ये बहुत गंदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो लानत वाली चीज से बचो, लानत लानत अल्लाह की कर्स अल्लाह की सजा वाली चीज से, दो चीज से बचो। यतखल्ला फी तरीक नास, सुनो सुनो सुनो, यतखल्ला फी तरीक नास, लोगों के रास्ते पे जाके टॉयलेट करना, जहाँ पे लोग चलते हैं वहां पे जाके टॉयलेट करना, ये क्या है, लानत वाली चीज है। जितने लोगों को स्मेल आएगी उतनी सजा मिलेगी, जितने लोगों को तकलीफ होगी उतनी सजा मिलती रहेगी मिलती रहेगी। ये तो खल्ला फी तरीक नास ऐ फी ज़िल्लिहिम, या साया, साया होता है ना, साया, साया किसे बोलते हैं, ट्री का शेड होता है, ट्री का शेड है, वहां सब लोग जाके बैठते हैं, वहां पे जाके किसी ने टॉयलेट कर लिया, तो ये क्या है, लानत वाली चीज है, ये गंदी चीज है, ये करना चाहिए। ओके कभी अगर मान लो आप बाहर हो और टॉयलेट आई तो क्या करेंगे, आप रोड पे हो और टॉयलेट आ गई तो क्या करेंगे, माशाल्लाह वो भी कर सकते हैं, और पब्लिक टॉयलेट भी हो सकता है, पब्लिक टॉयलेट। और अगर आप जंगल में हो जब टॉयलेट जाना है तो फिर जिधर लोग रहते उधर, जहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे, हाँ और अपने आप को ख्याल रखें। तो ये है कुछ टॉयलेट के मैनर्स। बच्चों याद रखो हमें हर जगह पर ये फॉलो करना है इंशाल्लाह। इस्लाम जो है ना वो हमें ये भी सिखा रहा है कि टॉयलेट में जाकर किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ताकि हम गंदी चीज, गलत चीज, गुनाह की चीज ना करें। लेकिन कितने लोग हैं जीते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कैसे जीना है, बस जी रहे हैं,
तो हम लोग एनिमल है क्या? एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स भी है ना, कई बार कैट आप देखोगे ना तो कैट भी आकर टॉयलेट में संभालती है, मिट्टी खोदती है उसके अंदर करती है, उसके बाद उसको उठा देती है। लेकिन जो इंसान ये सब सोचते नहीं है ना, वो लोग तो एनिमल से भी बुरे हो जाते हैं, है ना, एनिमल से भी बुरे। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह ने जो दीन दिया उसमें हमें सही तरीका सिखाया। देखते रहिए प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम, अच्छी अच्छी बातें आती रहेगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जज़ाकअल्लाह खैर, वा आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।